तो तिवारी जी ऐसे व्यक्तित्व है जिनको मैंने बिगर सिक्योरिटी उनके साथ बिजनेस में पैसा डाला और मेरा पैसा सब कुछ सौ प्रतिशत उन्होंने वापस पहुंचाया। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, तुम जादूगर हो, शायद मेरा बड़े भाई भी मेरे से पैसे नहीं निकलवा सकते, तो तुमने कैसे निकलवाए और कैसे वापस दिए। तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बिजनेस व्यवहार भी रहा है, बहुत सरलता है, कुशल बिजनेसमैन है। और मेरी शुभकामना है तो जैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो वैसे राजनीति में भी आगे। देखिए मैं आईएएस में था एक ज़माने में, 1982 बैच में मैंने इसको रिज़ाइन कर दिया 2000 जनवरी में, क्योंकि सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। जैसे इन्होंने बताया सरकार वो काम करेगी जो उसको करना चाहिए, और जो बाकी काम छोड़ देगी तो हम खुद अपने आप कर लेंगे। जैसे कि लंदन का पानी का मैंने बताया कि सारा का सारा प्राइवेट सप्लाई होता है, गंगा जी यहाँ पे सामने है और वहाँ पे आपका 8 किलोमीटर दूर आपको पानी लेने में कितना मुश्किल होगा। ये कोई इतना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं संदीप जी, तो क्या पानी नहीं ला सकते क्या? और हमारे घर घरों में पानी आएगा, और हर जगह पे फ्रांस में 11,000 किलोमीटर सड़कें प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और आप देखेंगे जापान में आपका ट्रेन प्राइवेट सेक्टर में है। और पहले जब सरकार भी चलाती थी जापान में तो टॉयलेट गंदे थे, तो हर जगह देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है और प्राइवेट सेक्टर में जवाबदेही होती है, सरकारी यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं होती। विशाल जी ये कौन सा क्षेत्र है? ये माधोपुरा गुजरात है, माधोपुरा गंज बाजार है। यहाँ किस तरह का कारोबार होता है? इधर वैसे तो हमारा काम है ऑयल का और इम्पोर्ट का, वैसे इधर अलग अलग जैसे अनाज का कारोबार है, कपड़े का है। इस समय संदीप तिवारी जी चर्चा में हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? वैसे तो मेरा करियर की मेरे करियर की शुरुआत ही संदीप जी के साथ में हुई है, और वैसे ऑयल इंडस्ट्री में बड़ा सपोर्ट है, हर जगह देखो तो उनका सपोर्ट रहा है ऑयल इंडस्ट्री में हर आदमी को, और ये इंडस्ट्री में बड़े चर्चित है और सबका साथ दिया है। अभी वो गांव से राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, यूपी के भदोही डिस्ट्रिक्ट से दावेदार हैं, तो उनके बारे में राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? वैसे तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कर लिया है उन्होंने, सबको सपोर्ट किया, सबको लाइन देके सब आगे निकल गए। अब उनकी एक ही सोच रही है कि मेरे गांव के लिए कुछ करूँ, इंडस्ट्री डालूँ, उधर के आदमी को रोजगार मिले, वही चर्चा में रहते हैं हमारे पास। तो हमारा ऐसी शुभकामना है कि वो